आज के प्रोग्राम का ये जो कॉलेज है, इट इज़ अ हायर सीट ऑफ लर्निंग। कॉलेज की जो एजुकेशन है, कॉलेज की जो मतलब कॉलेज जो है, एक इट इज़ ए हायर सीट ऑफ लर्निंग। तो जो कॉलेज का जो तालीम होती है, ये सिर्फ फोर वॉल्स ऑफ क्लास तक कन्फाइन नहीं होती है। एजुकेशन के लिए आगे जाने के लिए बच्चों को खासकर फिजिकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ सेड दैट ए साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन ए साउंड बॉडी। इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड बॉडी होने के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ताकि मतलब आज के जो बच्चे हैं, जो तालीम ले रहे हैं, उनकी तालीम जो इस स्टेज तक आसान नहीं रहनी चाहिए कि वो क्लासरूम में आ जाएं, तालीम ले लें, क्लास अटेंड करें और क्लास अटेंड करके निकल जाएं। तालीम का ये एक मकसद होता है कि बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलिटी होनी चाहिए। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलिटी मीन्स फिजिकल, ये मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, और ऑल ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो तब ही हो सकती है जब फिजिकली जो है एक बच्चा, एक स्टूडेंट साउंड हो जाता है। और इस फिजिकल मतलब ये डेवलपमेंट के लिए हमने पहली दफ़ा कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट जो है क्रिएट किया है, जिसका नाम है हमारा ये जिम जो है हमने खोला है। इसके लिए ये डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट खोला है कॉलेज के बेस पे, एक जिम डिपार्टमेंट जो आज तक नहीं था, जिसके लिए हमने डिफरेंट अपरेटस खरीदे हैं और जिसके लिए एक बाज़ब्ता एक स्कीम हमने बनाई है, एक स्कीम बनाई है जिसके तहत बाज़ब्ता यूनिफॉर्म हम बच्चों को दे देंगे, टीचर्स को एक टाइम रखेंगे, एक टाइम पर इनको ट्रेनिंग्स दे देंगे। उस ट्रेनिंग के बिना पर मतलब बच्चे इस ट्रेनिंग के बिना खुद तो फिजिकली स्ट्रांग हो भी सकते हैं, इसके अलावा वो ये ट्रेनिंग लेके आने वाले जनरेशंस को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये एक इस डिपार्टमेंट का एक फ़ायदा है जो इस कॉलेज में हमने पहली दफ़ा खोला है। दूसरी तरफ हमारा ये क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन ही है, फिजिकल डिपार्टमेंट ये है, जिसकी बेस पे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस डिग्री कॉलेज कारगिल, हमारे बच्चे, पहले हमारे तीन बच्चे जिन्होंने बैडमिंटन पर जो टॉप कर दिया, वो श्रीनगर क्या कहते हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चले गए, वहाँ से हमारे तीन लड़के और तीन लड़कियाँ जिन्होंने ने वहाँ से टॉप कर दिया, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चले गए और आउट ऑफ स्टेट भी जाके उन्होंने अपना लोहा दिखा के, अपनी काबिलियत दिखा के चले आए। ये हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ये एक समझो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका श्रेय जो है मैं अपने दो टीचर्स, ये हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारे मुस्तफ़ा साहब और हमारी मैडम लमो है, जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। ये हमारे कॉलेज की एक अचीवमेंट है। इसके अलावा हमारे कॉलेज में गॉड विलिंगली ऐसे भी ये काम किए हैं, हमारे पास ऐसे तो कॉलेजों में सिर्फ एजुकेशन चलता है, सब्जेक्ट्स चलते हैं, लेकिन हमने इतनी कोशिश की है कि हमारे कॉलेज में रूसा के थ्रू हमने दो क्या वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। और गॉड विलिंगली हमारे कॉलेज का IIQ सेल जो है, IIQ जो सेल है वो आगे भेज दिया है, जिसका एक्सेप्टेंस हमारे पास आए। उसके बाद हमें नैक एग्रेडेशन के लिए हमें SSR जो है हमें भेजना पड़ता है, जिससे नैक एग्रेडेशन है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलान में है, डिस्ट्रिक्ट पुलान में होने की वजह से हमारे पास फंड्स की बहुत कमी रहती है, इनकी मतलब डिस्ट्रिक्ट से फंड्स आते ही नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें हमारी बहुत ये खुशी की बात है कि हमने अपना IIQ भर के भेज दिया, हमारी टीम ने जिसमें हमारे कन्वीनर शाबानी साहब थे, उसके बाद सारे कॉलेज स्टाफ मिल के उन्होंने एक SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जो है वो भेज दी है आगे, इंशाल्लाह वो भी कम्प्लीट। उसके बाद हमारी कॉलेज की नैक एग्रेडेशन होगी, उसकी भी हमें बहुत उम्मीद है। आफ्टर दैट जो हम आज तक चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बच्चे रोड पर आए हुए हैं, हमारा कॉलेज को फंड्स नहीं मिलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है द डे आवर कॉलेज विल गेट नैक एग्रेडेशन, इंशाल्लाह हमें फंड्स का काफ़ी फ्लो हो जाएगा। जिसके लिए हमें कुछ मतलब बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत थी, कुछ डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने अपनी कोशिशों से और काविशों से अपने इलाके इस कॉलेज के लिए दो जो है ये ले लिए हैं, क्या कहते हैं वोकेशनल कोर्सेज ले लिए हैं, दो वोकेशनल कोर्सेज जिसमें वोकेशनल कोर्स ले लिए हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने एक वोकेशनल कोर्सेज ले लिया है, जिसमें एक वोकेशनल कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ले लिया है, जिस वोकेशनल कोर्स में हमारा लद्दाख एम्ब्रॉयडरी
का 6 महीने का कोर्स होगा, वो इस 6 महीने के कोर्स में एक टैलेंटेड एक ऑफिसर जो होगा जिसको 10,000 हम पे दे सकते हैं, और उसके बाद ट्रेनर्स होंगे जिनको अच्छी पे हम इसको उनको दे सकते हैं, बच्चों को इसको इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देना है, वो ट्रेनिंग वो उन बच्चों को भी 2,000 स्टाइपेंड देना है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ये 6 मंथ या 3 मंथ्स उनका जो कोर्स होता है कम्प्लीट होने के बाद उन बच्चों को भी हम एम्प्लॉय दे के उनको यूनिट्स दे के उनको आगे अपने पैर पर खड़े होने के लिए मतलब की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ले लिया। मैम आपने बहुत अच्छा एकदम उठाया है कि एजुकेशन के साथ साथ फिजिकली भी बच्चे जी फिजिकली फिट रहे, लेकिन दूसरी तरफ डिग्री कॉलेज काफी चर्चे पे रहा है कि यहाँ पे स्टाफ की ज्यादा कमी रही है, तो इसको लेकर आप क्या? इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, बच्चे काफी अप्रोच कर रहे हैं हमें, एग्जाम नहीं हो रहे इनके 2015 से लेकर अभी नाउ 2019 अप्रोचिंग जी, तो इसमें बहुत सारे लोगों से अंडरटेकिंग ले रखी है, किसी से नहीं ले रखी है, तो ओवरऑल इसको आप किस तरह देखते हैं, और एज ए प्रिंसिपल पहले जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एग्जाम का जो कंसेप्ट आज तक आज के बाद तो हमने एक स्टेप अहेड हो गया, हमारा क्या कहते हैं VC जो है यहाँ आ गए, उसने एक कुछ ट्रेनिंग्स की, कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों के साथ अपने ख्याल ज़ाहर किए, लेकिन उस डेट तक हमारे एग्ज़ाम जो है क्या होते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू होते थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के का तो आपको पता है हालात बहुत ख़राब रहते हैं, और अब मेरे ऑफिस में देखेंगे मेरे पास फाइलों का ढेर बना हुआ है, जस्ट नाउ मेरा मोबाइल आप चेक करके देखते हैं, जस्ट नाउ आई हैव कॉल्ड कंट्रोल एग्जामिनेशन, आज नहीं परसों भी किया, कल भी किया और आज भी किया, आगे वो मैं बताऊँगी। तो इसमें कॉलेज का एक रोल होता है, वी हैव टू कम्प्लीट द सिलेबस, we have to submit the information to higher education जो examination session है, और बाकी जो चीज़ें वो उन तक महदूद होती है। Unfortunately हम अपने हिसाब से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा एक ये है हमारी जो administration है local administration वो उसमें बहुत कम अपना योगदान देती है। जब हम वहाँ जाते हैं as a officer as official जो है कश्मीर university का वो हमारा इतना से वहाँ नहीं होता है, हाँ हमारा representative वहां जाके बोले तो उनका से हो जाता है, वो उस काम को कर देते हैं। वीसी के पास एक प्रिंसिपल का एक लेक्चरर का वहां तक जाना बहुत मुश्किल है, वीसी के पास हमारा एक ऑफिसर हमारा एक एमएलए हमारा एक सीसी हमारा एक काउंसलर तक जा सकता है। इस चीज को अपने हिसाब से हमने हमारी हिसाब से अपने हिसाब से हमारे टीचर्स ने एक दफा बायकॉट भी किया, हम एग्जाम नहीं करेंगे हमारे बच्चों का, हम ही ने बच्चों को रोड पाने के लिए बोला ताकि इनके मसले, क्योंकि उसमें हमारा फॉल्ट नहीं था जो बच्चों के एग्जाम नहीं होते हैं। तो गार्ड विलियल ने आप रिसेंटली VC साहब यहाँ आ गए, बहुत ही कोशिश करने के बाद और अपना एक सब सेंटर बनाया है, अब उनका ये भी वादा किया है कि हम इन फ्यूचर हमारे सारे एग्जाम जो है कैंपस यूनिवर्सिटी के थ्रू हो जाएंगे। लेकिन जो आपका सवाल था ये आपका जो था कि भाई एग्ज़ाम के सिलसिले में ये प्रॉब्लम है, तो हम अपने हिसाब से बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश इतनी भी किया ये कैंपस यूनिवर्सिटी स्टार्ट में, तो आप यकीन करें या नहीं करें वो भी मैंने ही स्टार्ट किया, कैंपस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट में हमने यहाँ सब कनाल दे दिया था, जो हमारा VC मान नहीं रहा था, VC को मैंने मतलब समझो VC को मैंने खुद VC के साथ जाके वहाँ जाके हमारा सेंटर वहाँ खुद ही खोल दिया, खुद ही वहाँ का रेक्टर बन गई, और फिर वहाँ खुद ही मैंने वहाँ क्लास चलाए एज ए रेक्टर ये कैंपस यूनिवर्सिटी में। तो अब मुझे इतना यकीन है कि कैंपस यूनिवर्सिटी में हमारा एग्ज़ाम हमारे ये जो है वहाँ हो सकते हैं इस वक्त, अगर हमारे CC के कहने पर CC ने का जो वर्ड है अगर वो ये करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम हमारे जो है सारे क्लासेस वहाँ हो जाएंगे, और गॉड विलिंग हमारे एवेलुएशन इस वक्त वहाँ ही हो रहा है, हमारे MR वहाँ जाते थे एवेलुएशन यहाँ होती थी, अब हमारे मैंने यहाँ ही से लेटर लिखा, उनके एक एवेलुएटर एक ऑफिसर थी वहाँ लेके गई, मैं खुद ही कैंपस यूनिवर्सिटी गई, हमारे बच्चों का क्या होता था पेपर एवोल्यूशन यहाँ होता था, MRs वहाँ जाते थे, यहाँ एवोल्यूशन तो एक हफ्ते में था, MR कश्मीरियों के साथ आ जाते थे, तो वो होना ना होना दोनों बराबर होता था। अब खुदा की मतलब चलो ये हमारी मेहनत थी या ये थी, इसकी वजह से हमारा MR भी अब वहीं यहीं इसकी एवोल्यूशन होती है, हमारे बच्चों को कोई सफ़र अब हमारे बच्चे सफ़र नहीं हो रहे हैं कि भाई उनका एग्जाम नहीं हो रहा है जी, ये था यूनिवर्सिटी का मसला जी। आप देख रहे हो बहुत हाईलाइट है, तो
आप ऐसे प्रिंसिपल आपसे जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी कितनी अहमियत रहेगी यूनिवर्सिटी का यहाँ स्टूडेंट के लिए। लद्दाख मतलब मेरा तो यूनिवर्सिटी कारगिल और लेह के लिए ऐसे ये बैकबोन ऑफ एजुकेशन है यूनिवर्सिटी हमारे इलाके के लिए बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारे रीज़न हैं यूनिवर्सिटी क्यों होने चाहिए। हमारे इलाके में मतलब पहली दफ़ा तो हमारी जो जनरेशन हमारे जो लोग हैं यहाँ कोई ना बिजनेस है यहाँ ना कोई फैक्ट्री है यहाँ ना कोई ऐसा कोई मतलब रेवेन्यू है एवेन्यू है जहाँ बच्चे पढ़े। हमारे पास सबसे बड़ा एवेन्यू सबसे बड़ा रेवेन्यू सबसे बड़ी इकोनॉमी माने तो वो एजुकेशन है बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट हमारे लोगों के पास इतनी इकोनॉमी नहीं है। वो दिल्ली जाएंगे बम्बई जाएंगे कलकत्ता जाएंगे इवन की कश्मीर जाएंगे इवन के गांधरबल जाल के पढ़े। हमारे बच्चों को तो कश्मीर में भी उधर बिधर होते हैं किसी के घर में जाना पड़ता है किराए के लिए कश तो वो एक रीज़न है हमारी पॉवर्टी भी एक रीज़न है जो कि यहाँ यूनिवर्सिटी होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे मतलब आज तक पूरी दुनिया चांद पर बढ़ गई हम चांद पहुँच गई हमारे इलाके से ये अगले 50 सालों से एक पीएचडी नहीं निकला है। ये तो मेन रीज़न है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का फ्लो नहीं है एजुकेशन के लिए यहाँ जगह नहीं है और एजुकेशन के लिए रिसोर्स नहीं है। इसके अलावा हमारे बच्चों को कहेंगे जी भाई तुम जाके वहाँ पढ़ो तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते। यूनिवर्सिटी ही एक बहुत बड़ा एक समझो हमारे एक यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी जनरेशन को आगे ले जा सकती है। तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है हमारे इलाके के लिए और हमारे लोगों को एक होकर इस यूनिवर्सिटी को मुकम्मल स्टाफ है आपके कॉलेज मेरे कॉलेज में स्टाफ मुकम्मल है। तो मेरा आखिरी सवाल रहेगा जी लास्ट क्वेश्चन है 100% स्टाफ जी जो स्टूडेंट्स की जो साल आए हैं जी 5-6 साल हमारे जी उनका अल्टरनेटिव क्या होगा और इसी को लेके इससे रिलेटेड आपका आखिरी मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए किसका मतलब जिन जिन बच्चों का जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स का जिन इन बच्चों का आखिरी जो अल्टरनेटिव मैं सोच रही हूँ किसी किसी बच्चे कोई बच्चा जो 2015 में एडमिशन लेके आज दर बिदर है कोई बच्चा 2013 में एडमिशन लेके मैं यहाँ दर बिदर है अगर मुझे कंट्रोलर एग्जामिनेशन बनाया जाएगा लेकिन मुझे एक दफ़ा बनाया भी गया था अगर मुझे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनाया जाएगा मैं उन सारे बच्चों का एक जनरल एग्जामिनेशन करूँगी एक जनरल एग्जाम से एक जनरल पेपर निकाल के उन बच्चों का वहीं एग्जामिनेशन वहीं एवेलुएशन वहीं रिजल्ट दे दूँगी ताकि आगे की जनरेशन जो इस मुसीबत में फंस ना जाए जो बहुत पहले आज से 5-10 साल पहले यही प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे सोशियोलॉजी का पेपर मैंने खुद एवेलुएट किया यहाँ पे खुद मार्किंग की खुद एग्जाम ले लिया खुद एवेलुएट किया खुद मार्किंग की इतना मेरा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस लाइक अस ऑन फेसबुक and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.